हेलो एवरीवन, यस्टरडे वी वर रीडिंग अबाउट फर्स्ट एड। और जो फर्स्ट हमने फर्स्ट एड फॉर बर्न्स पढ़ा, उसके बाद फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स, एंड नाउ फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स, कि अगर आपको एनिमल बाइट कर जाता है तो उसके लिए जो इमीडिएट हेल्प होगी वो क्या होगी। लेट अस रीड। इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट बाय अ डॉग, कैट, मंकी और एनी अदर स्ट्रे एनिमल, वॉश द वुंड विद सोप एंड वाटर सो दैट द जर्म्स डू नॉट गेट इन टू द बॉडी। कि अगर आपको कोई डॉग, कैट, मंकी या कोई स्ट्रे एनिमल्स काट जाता है तो सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है, जो भी वुंड है, जो भी घाव है, उसको सोप और वाटर से अच्छे से वॉश करना है, ताकि कोई भी जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर ना जा पाए। बिकॉज द स्ट्रे एनिमल्स माइट बी कैरिंग द रेबीज वायरस, क्योंकि जो स्ट्रे एनिमल्स होती है उनके अंदर रेबीज वायरस हो सकता है। आफ्टर वॉशिंग द वुंड कवर इट विद अ क्लीन बैंडेज, जब वॉश करने के बाद उसको वुंड को एक क्लीन बैंडेज के साथ कवर कर देना है, एंड टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और पेशेंट को कहाँ लेके जाना है, डॉक्टर के पास। नेक्स्ट इज टिटनस, ऑल्सो नोन एज लॉक जो, इज कॉज बाय अ बैक्टीरिया क्लोस्टरिमीडियम टिटानी। दिस बैक्टीरिया इज फाउंड इन सॉयल, डस्ट एंड मेन्योर। जो टिटनस होता है, जिसको हम लॉक जो भी बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्टरिडियम टिटानी। अब ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, सॉयल के अंदर, डस्ट के अंदर, जो मेन्योर होता है उसके अंदर पाया जाता है। इट एंटर्स द बॉडी थ्रू ओपन वुंड कट और स्किन पंक्चर्ड बाय कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। और ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाता है, ओपन वुंड के थ्रू, कट या फिर स्किन के अंदर कोई जो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट होता है वो पंक्चर कर देता है, चुभ जाता है। सो टिटनस इज अ सीरियस बट प्रिवेंटेबल डिसीज़। जो टिटनस होती है वो एक सीरियस लेकिन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। दैट अफेक्ट द बॉडीज मसल्स एंड नर्व्स, जो हमारी बॉडी की मसल्स और नर्व्स को अफेक्ट करता है। अब आजकल क्या है कि आपको टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, जब भी आपको कोई चोट लग जाती है तो टेटनस का इंजेक्शन साथ में लगाते हैं, ताकि आपको टेटनस से बचाया जा सके। अप टू नाउ वी रीड अबाउट फर्स्ट एड, कि फर्स्ट एड क्या होता है, और फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, अगर बर्न्स हो जाता है तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या है, फ्रैक्चर्स के लिए जो इमीडिएट हेल्प चाहिए वो क्या होनी चाहिए, और जो एनिमल बाइट कर जाते हैं उसके लिए जो इमीडिएट हेल्प होती है वो क्या करना चाहिए। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, कि फर्स्ट एड बॉक्स, कि आपके घर के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए। अब उस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी पढ़ते हैं। सो लेट्स रीड। यू कैन मेक योर ओन फर्स्ट एड बॉक्स और अ किट एट होम, आप अपना घर पे खुद का एक फर्स्ट एड बॉक्स या किट बना सकते हो। इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट एट होम, तो एक वेल स्टॉक्ड किट होनी चाहिए घर के अंदर। टेक एन ओल्ड शू बॉक्स, आपको एक पुराना शू बॉक्स लेना है, कवर इट विद अ वाइट पेपर, उसको वाइट पेपर से कवर कर देना है। पुट अ स्मॉल पेयर ऑफ सीजर्स, उसके अंदर एक स्मॉल पेयर ऑफ सीजर्स होना चाहिए, कॉटन गोज होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, अ फ्यू पेन रिलीवर्स इन द बुक और बॉक्स, साथ में कुछ पेन रिलीवर्स होने चाहिए। Make sure that the material that you are keeping in the box has not exceeded the expiry date. This is the most important thing, कि जो भी आप material अपने first aid box के अंदर रख रहे हो, आपको सबसे पहले check करना है कि जो भी आप medicine रख रहे हो, lotion रख रहे हो, antiseptic cream रख रहे हो, उन सब के ऊपर expiry date सबसे पहले check करनी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमेशा आप सभी को पता है कि जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट इफ देयर इज़ सम एमरजेंसी यू शुड बी एबल टू हैंड इट डिलीजेंटली, लेकिन फिर भी अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है तो आपको अच्छे से उसको हैंडल कर देना आना चाहिए। तो ये जो आपने इस चैप्टर के बारे में चैप्टर में पढ़ा कि जो सेफ्टी होती है और जो फर्स्ट एड आपको चाहिए उसको आपने कामली क्वाइटली यूज़ करना है। जो भी अगर चोट लग जाती है, वुंड हो जाता है, ब्लड को देख के पैनिक नहीं करना है, और फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर जो मेडिसिन होती है, जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा उसको अच्छे से
हेल्प करना है, दूसरों को भी करना है और खुद को जरूरत हो खुद को भी करना है। सो योर टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू रीड दिस चैप्टर कंप्लीट एंड लर्न दीज फोर वर्ड्स। कम्यूटर, कम्यूटर क्या होता है? पर्सन हु ट्रेवल रेगुलरली बिटवीन हिज वर्क प्लेस एंड हिज हाउस। पेडेस्ट्रियन क्या होते हैं? पीपल ट्रेवलिंग ऑन फुट। हैजार्डस, एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स रिस्क और डेंजर। हैजार्डस जो आपको नुकसान पहुंचा रही है चीज़। और ऑर्थोपेडिस्ट क्या है? डॉक्टर ऑफ बोन्स एंड मसल्स। थैंक यू।